हेलो गाइस, तो मैंने मोनालिसा की पेंटिंग को एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में सोचा है बनाने को। तो मैंने नॉर्मली ग्रीन कलर की शेड्स के कलर लिए और ब्लैक भी, और मैंने कुछ पानी कुछ ब्रशेस लिए हैं। उसके बाद मैंने कलर करना शुरू किया। सबसे पहले मैंने लाइट ग्रीन कलर किया है और उसके बाद मैं डार्क कलर करूँगी। आपको बहुत ज़्यादा बारीकी से कलर करना पड़ेगा क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में ज़रा सा भी कलर बाहर नहीं निकलना चाहिए। उसके बाद मैंने डार्क ग्रीन कलर करा है और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब देख सकते हैं कि मैंने ग्रीन कलर कर दिया है। अब मैंने डार्क ग्रीन कलर भी करूँगी उसके बाद। फिर हम मैं अपने उसके हेयर पे डार्क ग्रे कलर, उसकी स्किन पे थोड़ा बहुत स्किन कलर प्लस थोड़ा बहुत ब्राउन। आपको मिक्सिंग करनी पड़ेगी अगर पास ग्रीन कलर के शेड्स नहीं है, बट ये बहुत ईजी टू ड्रॉ है। बस आपको पेंसिल से शेड मारना है और बस पेंसिल से ड्रॉ करना है और बस उसमें कलर भरना है, जैसे बचपन में करते थे। बट हमको कहते परफेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा। और ये है फाइनल आउटकम जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आई होप आप इसको ट्राई करोगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग यहाँ तक आने के लिए, और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। ये मेरी रेफरेंस ली थी और इसका आउटकम आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी एंड, और आप ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ। बाय बाय।